भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से देश में डिजिटल क्रांति आ गई है और किसान इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। कर्नाटक के फूड्स पोर्टल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा रहा है। फूड्स किसानों का एक ऐसा एकीकृत डेटाबेस है जहां किसानों से संबंधित सभी जानकारियां एक ही जगह मौजूद रहती हैं। किसी भी विभाग की कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए फ्रूट्स में पंजीकरण स्वतः होता है। पंजीकरण केवल एक बार होता है, जिसके बाद उसी FID से किसी भी विभाग की किसी भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। किसान का पंजीकरण उसके आधार नंबर से जुड़ा होता है। इस तरह हर किसान को मिलता है एक खास नंबर, जो उसका FID नंबर कहलाता है। ये बेहतरीन ढंग से संगठित और जांचा परखा किसान डेटाबेस है। जब मैंने अपनी 3 एकड़ जमीन में 20 क्विंटल रागी उगाई तो सरकार ने मुझसे MSP पर फसल खरीदी। सरकार ने मेरे अकाउंट में सीधे 67,000 रुपए जमा करा दिए। FID से किसानों को बहुत आसानी हो गई है। अब हमें किसी बिचौलियों को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे इंसेंटिव FID अकाउंट के माध्यम से सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। कोविड के कारण मैं 2020 में फसल नहीं बेच पाया था। उस समय सरकार ने फसल के मुआवजे की घोषणा की थी। 2-3 महीने बाद ही मुझे 25,000 रुपए आम के मुआवजे के रूप में मिले। इसी तरह FID की मदद से मुझे ट्रैक्टर पर लोन और खेती के उपकरण के लिए सब्सिडी आसानी से मिल गई। फ्रूट्स डेटा ने सरकारी एजेंसियों को जानवरों की बीमारियों, टीकाकरण कार्यक्रमों और फसल से संबंधित सलाह को किसानों तक पहुंचाने में मदद की है। फ्रूट्स की मदद से अब किसान अपने से संबंधित जानकारी को चुटकियों में हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स किसानों के लिए एक सुखद खेती करने का माध्यम बन गया है।